ठीक ही है चलो। रियाल साहब जो गाट तो कोई डर ना जो की खांचत ले रख किसी जो वो पेंशन मैं करवा लूंगा। कौन सी पेंशन बांध क्यों है पेंशन बांध मैं करवाऊंगा मैं करवाना वो आधार आओ क्या तू साहब पेंशन आ बहाल तू साहब पेंशन बहाल भूल गए कोई डर ना ले रहा मैं खाद कोई डर ना छो मेरी थोड़ो कैर से तू मर्द छत मर्द मर्द बांध तेरा कोई डर ना छो आओ छे ना गरीबो जो ही आओ किसी जो चल छे दही खा तेरा वेले चल तुसाय हर ने तुसाय रेख देख कर ठीक छो ना की बनाओ ना चलम आबाद रा आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आरायशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आरायशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल तकिए पर्दे मखमल कालीन अलमारियां गद्दे बेड सोफा बेडशीट रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आरायशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660 9906233314। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त कुल्हाड़ इलाके में हूँ, जहाँ पर आज सामाजिक कारकुन रियाज शेख जी आए हुए थे और यहाँ पर DDC गुलशन आरा जी के ज़रिए से रखे गए कामों को आज इन्होंने नज़रसानी किया और यहाँ पे देखा कि किस तरीके के काम चल रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये भी जानकारी देता चलूँ कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ मुलाकात उन्होंने की, हमने उन काफ़ी सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। उसमें सबसे बड़ी बात तो वो ये रही कि एक बुज़ुर्ग जो कि तकरीबन 75-80 साल के हैं और वो रोने लगे और इस बात पर कि उनकी पेंशन काट दी गई है, और उस बात पर भरोसा दिलाते हुए राज शेख जी ने ये बताया उनको कि उनको जो है वो पेंशन जल्द से जल्द मिलेगी। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल के हवाले से अगर बात करें कि यहाँ पे 2013 में एक बिल्डिंग बनी गई है जिसके हवाले हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया, तो उस बिल्डिंग का अभी तक प्लास्टर भी नहीं हुआ है, तो किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के रियाज जी के साथ हमारे एक बातचीत हुई है, उनके साथ एक स्टेटमेंट हमने उनकी ली है और उसको अपने कैमरे में कैद किया है, आप उसको थोड़ा सा देखें और जायज़ा लें। देखिए फलाही साहब, मैं इस वक्त कुल्हाड़ पंचायत में हूँ, ठावा जिसको बोलते हैं, मैं मिडिल स्कूल ठावा में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो ये कमरा 2012-13 में बना है, यहाँ के लोगों का कहना और खुद भी मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि ये 2012-13 में बना है। ये किस स्कीम के तहत बना है, किस डिपार्टमेंट बना है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 12-13 से लेकर आज तक ये कमरा वैसा ही पड़ा है। आप इसकी शॉट ले लीजिए, देख लीजिए। तो ये अभी तक इस कमरे का क्या फ़ायदा हुआ बनाना, अगर ये 12-13 में मंजूर हुआ यहाँ कमरा, तो 12-13 से लेकर आज तक, आज 2022 है, तो ये कमरा तैयार क्यों नहीं हुआ, किस कारण, क्या कारण हुआ कि ये कमरा अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या वो बच्चे, उन बच्चों को वो बच्चे सफर नहीं हुए जो इस स्कूल में पढ़ते थे, जिन बच्चों के लिए ये कमरा बनाया गया था, क्या वो बच्चे बेचारे दरबदर नहीं हुए इन इतने सालों में? ये कमरा तैयार क्यों नहीं किया गया? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछता हूँ कि आपकी रहबरी में, आपकी रहनमाई में ये जो स्कूल हैं, आप क्यों नहीं नज़र मारते हो स्कूलों को, क्यों नहीं जाते हो आप जगह जगह देखते हो कि ये आपके स्कूल का हाल है, 2012 में बना है, अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। देखिए, जो भी वादे यहाँ किए गए थे, मैंने तो जो मेरी नजर में आया, मैंने देखा
यहाँ तो सिर्फ वादे खोखले ही वादे रह गए हैं। मैं अभी एक घर में गया था, एक बेचारा 100 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा अभी रो रहा था आपके सामने, आपने शायद उसका फोटो वगैरह भी लिया होगा, तो मुझे क्या बोल रहा था उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतना वो भावुक हो गया मुझे देखकर कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस बेचारे को इसकी पेंशन बंद की गई है। क्यों बंद की है, किस कारण बंद की गई, क्या वजह हुई है? अगर इस बेचारे को पेंशन नहीं मिली तो और किसको पेंशन देनी है? मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें, इन बुजुर्गों पे तवज्जो दें, इन गरीब लोगों पे तवज्जो दें और इनकी पेंशन बहाल करें जल्द अज जल्द। मैं आज आपने खावा का दौरा किया, कुल्हाड़ का दौरा किया, किन किन चीज़ों की कमी आपको लगी यहाँ के लोगों को, कौन किन चीज़ों की कमी लग रही है? देखिए किफायत साहब, एक तो यहाँ इनकी ये जो रोड है जो दाली से कुल्हाड़ तक है बनी तो है, एक दो साल ही हो गए, उसमें ब्लैक टॉपिंग का काम किया, लेकिन आज एक साल के बाद ही मैं देख रहा हूँ कि वो ब्लैक टॉप कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, वो सारा उखड़ गया है। तो यहाँ के लोगों की ज़्यादातर शिकायत यही रही है कि हमारी रोड को कोई नज़र नहीं मारता है, कोई नज़रसानी नहीं हो रही है हमारी रोड पर। तो मैं PMGSY डिपार्टमेंट जो है ये उनकी जिम्मेदारी है, उन ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, उन ठेकेदारों का एग्रीमेंट जब टेंडर अलाटमेंट होती है उनको एग्रीमेंट लिया जाता है कि आपको 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए ये रोड आपकी है, ये इसको इसकी रेख देख आपने करनी है। तो वो PMGSY डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या वो उस ठेकेदार को नहीं पूछ रहे हैं कि ये इस रोड की ये हालत कैसे हो गई एक ही साल में, इसको क्यों नहीं आप ठीक कर रहे हो? यहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं, इन लोगों की डिमांड है। और मैं घर घर अभी तक जितने घरों में मैं गया हूँ तो मैंने हर घर की हालत खस्ता देखी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए है। यहाँ मेरे साथ मेरे सरपंच साहब यहाँ के मौजूद हैं, यही मुझे अपने इस साल के काम जो भी हुए हैं या पिछले साल के हुए हैं नरेगा के तहत वो दिखा रहे हैं, या कैपेक्स बजट के तहत वो काम मैंने चेक किए चल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम है कर रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले काम हुआ है वहाँ यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि कम से कम ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उन वो क्यों नहीं अपने इलाकों में वो जो छोटे लेवल के मुलाजिम हैं, सेक्रेटरीज हैं, GRS हैं, तो वो क्यों नहीं अपने इलाकों में जाते, क्या उनको वो किस नज़र से अपने इलाकों को देखते हैं और बोलते हैं हमने डेवलपमेंट की? कहाँ की, खाक डेवलपमेंट की है, कुछ नहीं हुआ है, जैसा था वैसा पड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट से एक बार फिर कहता हूं कि वो आए देखिए, अपनी अपनी ड्यूटी अपनी पूरी तरीके से सर अंजाम दीजिए और देखिए इन गरीब जनता को, इन गरीब जनता की हेल्प कीजिए, जिस तरह से भी हो सके कीजिए, करते रहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप किसी कानून से बाहर होकर कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड है, जो जेन्युइन है वो कीजिए, वो तो कम से कम कीजिए, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही मत कीजिए। हमने DDC फंड्स में से पिछले साल यहाँ शीतल माता का ग्राउंड यहाँ की डिमांड आई थी वो हमने दिया, अभी मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं जा रहा हूँ वहाँ उसको भी देखूंगा, और भी अब मुझे याद नहीं है, और भी वो पसड़ा में वो लाइन एक चेंज करनी थी उसके लिए रखा था, और भी रिपेयर कुछ रखा था हमने यहाँ पे, 2-3 काम जो रखे हैं उनके टेंडर हो गए हैं, काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह 8-10-15 दिन में वो काम फाइनल हो जाएगा। साहब, DDC इलेक्शन होने के बाद आपको लगा कि डेवलपमेंट में कोई सुधार आया है? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अभी तक मुझे तो मैं तो सिर्फ जानकारी ही हासिल कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला कल आपको मैं नहीं बोलूँगा बल्कि ये गरीब जनता बोलेगी, ये आवाम बोलेगी कि डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तुम जनरल डोडा अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।